अब हमें बताना है कि ट्रू या फॉल्स। नाउ सम ऑफ थ्री ऑड नंबर्स इज इवन। अगर हम किसी दो ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो आंसर आता है इवन। तो इन दोनों का आंसर आएगा इवन, और इवन में हम ऑड ऐड करते हैं तो आंसर आता है ऑड। और यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि इवन आता है तीन ऑड नंबर्स का सम, तो ये हो गया फॉल्स। सम ऑफ टू ऑड नंबर्स एंड वन इवन नंबर इज इवन। तो यहाँ पर सम ऑफ टू ऑड नंबर्स तो हमारा इवन हो गया, और इसमें हम इवन नंबर और ऐड कर देंगे तो इवन नंबर प्लस इवन नंबर इवन ही होता है, तो ये हो गया ट्रू। प्रोडक्ट ऑफ थ्री ऑड नंबर्स इज ऑड। यहाँ पर क्या मतलब हुआ? अगर हम कोई भी तीन ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड, अगर हम ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, दो ऑड का रिजल्ट हमेशा ऑड आता है मल्टीप्लिकेशन में, और यही ऑड नंबर को हम एक और ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी आंसर ऑड ही आएगा। ऑल राइट। इफ इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय टू द क्वोशेंट इज ऑलवेज ऑड। हाँ, ये हमेशा ज़रूरी नहीं है। अगर हमने सपोज इवन नंबर लिया 16 और उसको डिवाइड किया टू से, तो 16 डिवाइडेड बाय टू गिव्स 8, और 8 इज नॉट ऑड, तो ये हो गए हमारी स्टेटमेंट फॉल्स। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। अभी मैंने आपको बताया प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक वन और एक इटसेल्फ। तो पहला फैक्टर हो गया वन और दूसरा फैक्टर हो गया टू। टू के लिए बात कर रहे हो मैं। ओके, तो टू के भी सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, एक वन और एक टू। और टू क्या है? एक इवन नंबर है लेकिन ये भी प्राइम है। तो टू इज़ दी ओनली प्राइम नंबर विच इज़ ऑड। टू के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे इवन होते हैं, लेकिन टू इज़ दी ओनली इवन प्राइम नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि प्राइम नंबर्स के कोई फैक्टर्स नहीं होते, लेकिन हमने पढ़ा है कि प्राइम नंबर्स के दो फैक्टर्स होते ही हैं। इनफैक्ट हर नंबर के दो फैक्टर्स मिनिमम होते ही हैं, एक वन और एक वो नंबर खुद। तो दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। तो ये भी गलत है। अगर एक उनमें से एक प्राइम नंबर सपोज टू हो है, तो अगर सपोज वो दो प्राइम नंबर्स हैं टू और थ्री, तो इनका जो सम है इवन और ऑड का सम हमेशा ऑड आता है। तो अगर एक वो इवन नंबर उन दो नंबर्स में से एक जो है वो टू हुआ, तो यहाँ पर सम उनका ऑड हो जाएगा, तो ये हमेशा ट्रू नहीं होगी, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। नाउ टू इज़ दी ओनली इवन प्राइम नंबर, जो कि मैंने अभी आपको बताया, दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स। नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि टू एक ऐसा इवन नंबर है जो कि कॉम्पोजिट नहीं है, जो कि प्राइम है। द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। तो अगर मैंने अभी आपको बताया ऑड इंटू ऑड हमेशा ऑड होता है, लेकिन इवन इंटू इवन हमेशा इवन होता है। ऑल राइट, सो दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट।